मुस्कुराहट वह हीरा है जिसे आप बिना खरीदे प्राप्त कर सकते हैं, और जब आपके चेहरे में मुस्कान होती है तो दुनिया की कितनी से बड़ी बाधाएं क्यों ना आ जाए, उनको हम आसानी से टैकल कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी का मैं आशीष मिश्रा विन आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारी चर्चा मध्य प्रदेश के एक विशेष टॉपिक को लेकर हो रही थी, जो हमारी राज्य सेवा मुख्य प्री परीक्षा है, उसमें यूनिट 10 के माध्यम से जो जनजाति का पोर्शन जोड़ा गया है उसमें कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उस आधार पर हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है। हमने अपनी पिछली कक्षा में आपको बताया था कि हमारी जो चर्चा होगी वो टॉपिक्स बाई टॉपिक्स को लेके होगी, और आज हमारा जो पहला टॉपिक चलने वाला है वो है मध्य प्रदेश में जनजातियों की भौगोलिक स्थिति, और उसके आधार पे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और भौगोलिक स्थिति के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, इन समस्त पहलुओं पर हम अपनी चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि जब किसी स्थान के भौगोलिक दशाओं के बारे में पूछा जाता है कि भौगोलिक स्थिति के बारे में पूछा जाएगा कि उनका निवास स्थान कहाँ है, तो जनजातियों के बारे में हमको देखना है कि मुख्य रूप से ये मध्य प्रदेश में, जो मध्य प्रदेश का मैप है इसमें उत्तर की ओर कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं, पूर्व की ओर कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं, महाकौशल वाले क्षेत्र में कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं, मालवा वाले क्षेत्र में कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं, उत्तर की ओर अर्थात मध्य भारत के पठार में कौन सी जनजातियाँ निवास करती हैं, इस आधार पर हम जनजातियों का वितरण देखते हैं। विभिन्न किताबों के माध्यम से आपने इस चीज़ों के बारे में पहले भी पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो हमारे जो प्रश्न आज बनने वाले हैं उससे सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएगी। फिर दूसरा, भौगोलिक स्थिति पे हम क्या देखते हैं, कहाँ पर कौन सी जनजाति ज़्यादा निवास कर रही है, अर्थात हम इसमें किसका सहारा लेंगे, जनगणना का सहारा लेंगे। किसी भी स्थान पे जनजातियों का वितरण किस प्रकार है, हमेशा हमको कहाँ से पता चलता है, जनगणना के माध्यम से पता चलता है कि वहाँ पर प्रतिशतता कैसी है। जैसे हमको पता है कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या जनजातियों की कहाँ पर पाई जाती है, धार में पाई जाती है। उसी आधार पर अन्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि और कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पर एक क्रम में पाई जाती है, तो इन समस्त पहलुओं पर हमारे प्रश्न आगे बनने वाले हैं। तो इन्हीं दो आधारों पर हमारी पूरी चर्चा होगी, इसमें कठिन प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही कम है, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और आगे हम अपने प्रश्नों के आगे की बात करते हैं। देखिए, ये जो हमारा सिलेबस था इसी पे पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार, और पूरी चर्चा आज जितने भी प्रश्न हम करने वाले हैं वो सब इसी पे आधारित होने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न करते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए धार, ऑप्शन बी बड़वानी, ऑप्शन सी डिंडोरी, ऑप्शन डी मंडला। आप लोगों को इसके बारे में तो पता ही होगा, कई 2011 की जो जनगणना है आज से लगभग 15 साल इसको होने के हुए हैं, 14 साल हो गए हैं, तो आप इसके बारे में तो अच्छे से जानते ही होंगे, कई बार ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी भी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए धार। धार की अगर बात करें जाए तो धार में वर्तमान में जनजातियों की जनसंख्या लगभग 12 लाख से ऊपर है, 12.22 लाख से ज़्यादा है, और अगर इस क्षेत्र पर पूरी जनसंख्या की बात की जाए तो लगभग 55% जनसंख्या यहाँ की क्या है, पूरी जनसंख्या जो धार जिले में निवास करती है उसकी 55% जनसंख्या किस में निवास करती है, अनुसूचित जनजाति के रूप में निवास करती है। फिर अगर बात की जाए कि 2011 की जनगणना के अनुसार अन्य वो कौन से ज़िले हैं जहाँ पर जनजातियाँ सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती हैं, तो इसका एक क्रम पे पूछा जा सकता है, 3 जिलों को लेके पूछा जा सकता है, तो हम जान लेंगे सबसे ज़्यादा तो धार में पाई जाती है, उसके उपरांत झाबुआ में, और फिर तीसरे नंबर पे आएगा क्या, बड़वानी। और आपको इस क्षेत्र की बात बता दूं, ये हमारे पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है, और हमारे जो मध्य प्रदेश है वो सर्वाधिक, भारत का सर्वाधिक नेतृत्व करने वाला, जनजातियों में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है, भारत मध्य प्रदेश में, भारत के अंतर्गत मध्य प्रदेश में जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। तो ये हमारी पहली चर्चा हो गई पहले प्रश्न पर। अगली बात करते हैं, दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातियों में से एक भील मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, पूरे प्रश्न इसी आधार पर बनेंगे, आपको बताना है कि भील
मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? हमारे ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन डी सतपुड़ा, ऑप्शन सी बिंध। अब देखिए ऑप्शन कठिन भी बनाए जा सकते हैं, मैंने अभी शुरू के प्रश्न हैं इसलिए थोड़ा आसान बनाए हैं। इसमें जैसे मालवा में हम कुछ ज़िलों को ले सकते हैं, बुंदेलखंड के ज़िलों को ले सकते हैं, सतपुड़ा के ज़िलों को ले सकते हैं, बिंध के ज़िलों को ले सकते हैं। तो ऑप्शन प्रश्न इसी प्रकार से बनेंगे, ऑप्शन थोड़ा बदल सकते हैं, लेकिन अभी आप इस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करिए। तो इसका सही जवाब होगा मालवा। आपको पता है अभी हमने चर्चा की किसकी, हमने चर्चा की धार की। धार में सर्वाधिक जनजाति पाई जाती है और धार वाले रीजन में पूरा जो पश्चिमी मालवा है वहाँ पर मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है? भील एवं भिलाला जनजाति पाई जाती है। भील जनजाति अगर थोड़ी चर्चा हम करें तो भील प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह का प्रजाति है। इनका जो मूल उत्पत्ति मानी जाती है, मूल इनका स्थान माना जाता है, वो राजस्थान का माना जाता है। मतलब इनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? राजस्थान से मानी जाती है। भील की अगर उपजातियों की बात की जाए तो भील है, भिलाला है, तड़वी भील है, उमड़ी भील है, पटालिया है। तो इस प्रकार से भील के संदर्भ में कई सारी चीज़ें हमको जानकारी है। तो हमारा प्रश्न है कि भील मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मालवा। अगली बात करते हैं, प्रश्न क्रमांक 3 में आते हैं। बैगा जनजाति जिसे उसके विशिष्ट सांस्कृतिक के लिए जाना जाता है मुख्य रूप से किस भौगोलिक क्षेत्र में बसी हुई है? देखिए प्रश्न बड़ा बना दिया गया है, प्रश्न ऐसा पूछा जा चुका है और प्रश्न सिंपल सा है कि बैगा जनजाति को पूछ रहा है कौन से भौगोलिक क्षेत्र में, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में बैगा जनजाति निवास करती है। इसका ऑप्शन है सतपुड़ा, ऑप्शन बी बिंध, ऑप्शन सी महाकौशल, ऑप्शन डी निमाड़। तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए जो मध्य प्रदेश है उस पर बैगा मुख्य रूप से मंडला डिंडोरी वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मंडले डिंडोरी वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? इस वाले रीजन में। ये जो रीजन है यहीं पर क्या पाई जाती है? आपकी बैगा जनजाति पाई जाती है। यहीं इन्हीं जिलों को मिला के क्या बना है? बैगा विकास प्राधिकरण बना है, बैगा विकास प्राधिकरण बना है। यह प्रश्न पूछा जा चुका है 2021 की प्री परीक्षा में, पूछा जा चुका है बैगा विकास प्राधिकरण के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो ये जो यहाँ पर ज़िले हैं, यहाँ पर मंडला डिंडोरी सिवनी वाले ज़िले हैं, वहाँ पर क्या पाई जाती? उमरिया वाला ज़िला है, उमरिया वाला भाग है, वहीं पर क्या पाई जाती? वहाँ पर स्थापित है क्या? बैगा विकास प्राधिकरण। और अगर इस क्षेत्र की बात किया जाए तो यहाँ से कुछ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व बैगा जनजाति से संबंधित हैं, जैसे अर्जुन सिंह धुर्वे। आपने जोधैया बाई का नाम सुना होगा, जोधैया बाई, इनका संबंध किससे है? बैगा जनजाति से है। इनकी बैगा कला है वो बहुत प्रसिद्ध है, कपड़ों पे और दीवालों पे जो बैगा कला है वो बनाई जाती है और अपनी खास विशेषताओं के कारण, प्रकृति के चिन्हों को अपने विभिन्न प्राकृतिक रंगों से उकेर करके एक विशेष पहचान बैगा कला अपने आप को देती है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सहरिया जनजाति पाई जाती है? हमारे ऑप्शन हैं डिंडोरी, शिवपुरी, बालाघाट, छिंदवाड़ा। देखिए बहुत आसान है, सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? मध्य भारत के पठार में। और मध्य भारत के पठार में आपको देखना यहाँ पर दिखाई दे रहा है कौन सा जिला? शिवपुरी। तो हमारा इसका सही जवाब क्या होगा? शिवपुरी। अगर सहरिया की जनजाति की बात की जाए तो सहरिया एक PVTG ग्रुप की क्या है? विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति है सहरिया। हमारे मध्य प्रदेश में 3 जनजातियाँ ऐसी हैं जो विशेष रूप से पिछड़ी घोषित की गई हैं। हमारे यहाँ 43 जनजातियाँ क्या है? अनुसूचित जनजातियाँ हैं। उनमें से 3 जनजातियों को PVTG के रूप में शामिल किया गया है। और सहरिया की अगर बात किया जाए तो PVTG ग्रुप का सबसे बड़ा समूह, पूरे भारत में सबसे बड़ा समूह कौन सा माना जाता है? वो है सहरिया। सबसे बड़ा समूह माना जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि सहरिया जनजाति के विषय में
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है बताइए। तो इस प्रकार का एक कथन दिया जा सकता है, फिर आपके ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। PVTG के बारे में मैंने कल एक प्रश्न पूछा था कि कितनी जनजातियों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है, तो पूरे भारत में इसमें 75 जनजातियों को शामिल किया गया है और 2023-24 के बजट में 15,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है अगले 3 वर्षों में इस वर्ग के जनजातियों के उत्थान के लिए। फिर कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जा सकते हैं कि PVTG ग्रुप जो है उसमें कौन कौन सी जनजातियाँ शामिल नहीं हैं, तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अधिकांश रूप से गोंड जनजाति बसी हुई। अब देखिए, मैं अगर गोंड जनजाति की बात करूं तो मध्य प्रदेश के लगभग 24 जिलों में 24 जिलों में इनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। मतलब प्रथम स्थान पे अगर किसी स्थान की हम जनसंख्या को काउंट करते हैं, वहाँ पर ST की जनसंख्या काउंट करते हैं, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी पाई जाएगी? गोंडों की पाई जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति कौन सी पाई जाती है, ये सबको पता है, वो है कौन सी? भील। लेकिन 24 जिलों में, हमारे यहाँ 52 जिले हैं, 53 जिले हो गए हैं और अभी तो अपडेट भी हो गया है, 55 जिले हो गए हैं, जिसमें अभी नवीनतम जिला कौन सा है? मैहर क्या है? नवीनतम जिला। तो 55 जिलों में लगभग 24 जिले ऐसे हैं जिनमें क्या पाई जाती है? आपकी गोंड जनजाति सर्वाधिक रूप में पाई जाती है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि गोंड जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पर सर्वाधिक रूप में पाई जाती है, किस क्षेत्र में पाई जाती है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी बघेलखंड, ऑप्शन सी बुंदेलखंड, ऑप्शन डी निमाड़। तो इसका सही जवाब है बघेलखंड। जो पूर्वी मध्य प्रदेश का भाग है, मुख्य रूप से जो शहडोल, कटनी, उमरिया, सिंगरौली, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर मुख्य रूप से हमको गोंड जनजाति देखने को मिल जाती है। तो पूर्वी मध्य प्रदेश में कौन सा भाग आता है? बघेलखंड का क्षेत्र आता है। तो बघेलखंड के क्षेत्र में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है? गोंड जनजाति पाई जाती है। हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। पारंपरिक रूप से शिकार और जमा के साथ जुड़ी पारधी जनजाति को मुख्य रूप से किस क्षेत्र के वन्य जीव क्षेत्रों में पाई जाने वाली की संभावना सर्वाधिक होती है? मतलब किस क्षेत्र में सर्वाधिक ये पाई जाती है पारधी जनजाति। पारधी जनजाति के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ इससे पहले कि हम ऑप्शन पढ़ें, कि 2003 में संशोधन किया गया और मध्य प्रदेश की तीन जनजाति को जनजातियों की सूची से क्या कर दिया गया था? विलोपित कर दिया गया था। वो कौन कौन सी जनजातियाँ थी? तो तीन जनजातियाँ उसमें शामिल थी। पहली थी कीर, दूसरी मीना और तीसरी है पारधी। लेकिन पारधी जो जनजाति है अभी भी अपने उसी रूप में रह रही है। इसके कई सारे भाग होते हैं, जैसे एक चीता पारधी होती है, मगर पारधी होती है, सीसी का तेल निकालने वाली पारधी होती है। तो पारधियों की कई सारी उपजातियाँ या विभाग देखने को भी मिलते हैं। आपको बताना है यहाँ पर कि किस क्षेत्र में मुख्य रूप से ये पाई जाती है, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का है मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्थिति में अनुसूचित जनजातियों का वितरण। तो ऑप्शन है मालवा, चंबल, नर्मदा और सतपुड़ा क्षेत्र। इसका सही जवाब होगा मालवा, क्योंकि जो पारधी जनजाति है मुख्य रूप से कहाँ पर पाई जाती है? भोपाल, रायसेन और सीहोर। लगभग 95% जो पारधी जनजातियों की जनसंख्या है मध्य प्रदेश में वो इसी क्षेत्र पे इन तीनों जिलों के अधीन निवास करती है। अगली बात करते हैं हम। पोटरी में अपनी विशेषताओं के लिए हुए मशहूर भारिया जनजाति को मुख्यतः किस क्षेत्र के वन्य जीवों वाले क्षेत्र में पाई जाती हैं? ठीक है, मतलब आपको बताना है कि जो भारिया जनजाति है वो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश से किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है, कौन से वन्य जीव क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अब देखिए, जनजातियों की एक विशेषता होती है कि ये कहाँ पर निवास करती हैं? जंगलों में निवास करती हैं, मुख्यधारा से बहुत कटी हुई होती है, इनकी विशिष्ट संस्कृतियाँ होती हैं, इनके विशिष्ट पहचान होती है, इनकी विशिष्ट बोली होती है और इनकी विशिष्ट एक
क्षमता होती है, कार्य करने का एक निश्चित प्रक्रिया होती है। तो उसी आधार पर यहाँ पर लिखा है कि ये अपनी पूरी संस्कृति को एक पोटरी में, एक थैले में समेटे हुए अपनी विशेषताओं के साथ कहाँ पर निवास करती हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए निमाड़, ऑप्शन बी तामिया, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी बुंदेलखंड। तो आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। अब देखिए, जब पीएससी प्रश्न पूछता है तो आपको वहाँ पर थोड़ा कम दिमाग लगाना है। आपको लगे कि यार थोड़ा सा नाम अलग दिख रहा है, जैसे ये तामिया का नाम अलग दिख रहा है। तामिया के बारे में बता दूं कि यहीं पर ये एक विकास खंड है, जो 89 विकास खंड है, जनजातीय विकास खंड है, उनमें से एक विकास खंड है जो कहाँ पर पाया जाता है, छिंदवाड़ा में पाया जाता है। और यहाँ तामिया में ही एक स्थान है, कौन सा, पातालकोट। और पातालकोट में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति पाई जाती है, भारिया जनजाति पाई जाती है। और भारिया जनजाति भी PVTG ग्रुप में शामिल एक प्रमुख जनजाति है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार कौन सी योजना चला रही है, आहार अनुदान योजना, आहार अनुदान योजना, आहार अनुदान योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसके संबंध में चलाई जा रही है, विशेष पिछड़ी जनजातियों के संबंध में चलाई जा रही है। 2017 में यह प्रारंभ हुई थी योजना, जो मुख्य रूप से जो इनकी महिलाएं हैं, जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति हैं, उनकी महिलाएं हैं, उनका सशक्तिकरण के लिए चालू की गई थी। अगला प्रश्न पे आते हैं। अगले प्रश्न है, मध्य प्रदेश के कौन कौन से जिलों में बैगा जनजाति पाई जाती है। हमारे ऑप्शन है धार और खरगोन, मंडला और डिंडोरी, अनूपपुर उमरिया, शिवपुरी और शिवपुरी। तो आपको इसमें ज़्यादा भटकना नहीं है, मैंने अभी अभी बताया था कि मुख्य रूप से कहाँ पर निवास करती हैं, मंडला और डिंडोरी में। और आपको पता है यहीं से एक व्यक्ति, एक कलाकार हैं जो जोधैया भाई हैं, वो बहुत फेमस है, और अर्जुन सिंह धुर्वे बहुत फेमस यहाँ के कलाकार हैं। तो ये हो गया, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मंडला और डिंडोरी। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस भौगोलिक क्षेत्र में कोरकू जनजाति मुख्यतः निवास करती है। अब देखिए नया प्रश्न आ गया, कोरकू जनजाति के संबंध में आ गया है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिंध, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी सतपुड़ा, ऑप्शन डी चंबल। आप लोग जवाब देने का प्रयास कीजिए, इसका कमेंट में जवाब लिखिए इसका जल्दी जल्दी। तो इसका सही जवाब होगा, कौन सा आंसर होगा इसका, सतपुड़ा। क्योंकि जो कोरकू जनजाति का निवास स्थान है वो मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है, दक्षिण भारत वाले क्षेत्रों में, दक्षिण मध्य प्रदेश वाले क्षेत्रों में ये पाई जाती है। मैं अगर मैप के माध्यम से आपको बताना चाहूँ तो ये जो रीजन है, मतलब होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, बुरहानपुर, ऐसे वाले क्षेत्र में क्या पाई जाती हैं, यहाँ पर मुख्य रूप से कोरकू जनजाति पाई जाती हैं। कोरकुओं के बारे में बता दूँ कि कोरकू जो जनजाति है, इनका जो उपजातियाँ हैं, उपजातियाँ, उसमें मैंने कल भी बताया था, पोथरिया, नहाला, रूमा और अन्य जनजातियां भी इसके अंतर्गत आती हैं। कोरकू की एक खास बात होती है, कोरकू जनजाति की, कि जब किसी व्यक्ति की यहां पर मृत्यु हो जाती है, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जहां पर व्यक्ति को दफनाया जाता है, जलाया जाता है, वहां पर एक स्तंभ लगाया जाता है। उस प्रथा को बोलते हैं सिडोली प्रथा, सिडोली प्रथा। तो पूछा जा सकता है प्रश्न कि सिरोली प्रथा कौन से जनजाति से संबंधित है, तो आपको ध्यान देना है कि ये कौन से जनजाति से संबंध रखती है, कोरकू से जनजाति से रखती है। कोरकू का नृत्य भी है, कोरकू का रीना नृत्य करती हैं, कोरकू दीवानी नृत्य करती हैं, कहरवा नृत्य करती हैं, और कर्मा नृत्य भी कोरकू जनजाति करती है। कर्मा के बारे में आपको पता है कि कर्मा नृत्य गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल एक प्रमुख नृत्य है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, मध्य प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। अब इसमें आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि जो ये ऑप्शन दिए हैं इनमें बताना है कि ये जो ऑप्शन है कुछ गलत हैं। आपको यहाँ पर ऑप्शन देख के बताना है कि निम्नलिखित में से जो यहाँ पर लिखे हुए हैं शब्द, उसमें बताना है कि कौन सी जनजातियों का जनसंख्या सबसे कम है। तो हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी बैगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी भारिया। तो देखिए इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारिया। क्यों?
क्योंकि भील के बारे में हमको पता है, भील सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जनजाति है। पूरे हमारी जो जनजातियों का प्रतिशत है उसमें 39% लगभग क्या पाई जाती है, भील एवं उसके उपजातियाँ पाई जाती हैं 39% भाग पे। गोंड की अगर बात किया जाए तो गोंड भी दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी जाति है। और तीसरे नंबर पे कौन सी जनजाति आती है, कोल जनजाति, जिसको सबसे आधुनिक जनजाति भी कहा जाता है, जो रीवा वाले क्षेत्र में निवास करती है। तो भील, गोंड, कोल, ये हमारी तीन प्रमुख जनजातियाँ हो गई। और सबसे कम जो जनजाति पाई जाती है उनमें भारिया का नाम यहाँ पर आएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की वह कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ भिलाला जनजाति निवास करती है। अब देखिए, भिलाला के बारे में अभी मैंने आपको बताया, भिलाला क्या है, भील की सबसे बड़ी उपजाति है। और हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी मालवा, ऑप्शन डी सतपुड़ा। तो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पर भील जनजाति निवास करेगी वहाँ पर उसकी उपजातियाँ भी निवास करेंगी। और ये उपजातियाँ कहाँ निवास करती है, आपके धार वाले रीजन में, धार, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ वाले रीजन में सबसे ज़्यादा भिलाला जनजाति निवास करती है। और इन जनजातियों की अगर खास बात की जाए भिलाला की जनजाति की, तो भिलाला जनजाति राजस्थानी कल्चर से बहुत प्रभावित है, राजस्थानी कल्चर से बहुत ज़्यादा प्रभाव इस पर देखने को मिलता है। इसकी और खासियत क्या है कि भील की सबसे बड़ी उपजाति मानी जाती है। तो ये हमारे प्रश्न क्या हो गया, 11वें नंबर का प्रश्न हो गया। अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन से ज़िले में निम्न जनजाति जनसंख्या है, मतलब सबसे कम जनसंख्या कहाँ पर पाई जाती है। हमारे ऑप्शन है रायसेन, ऑप्शन बी भिंड, ऑप्शन सी झाबुआ, ऑप्शन डी जबलपुर। तो इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ये प्रश्न पूछा गया है और ये प्रश्न आ भी चुका है। MPPSC जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस होती है उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि मध्य प्रदेश के किस भाग में अनुसूचित जनजातियाँ सबसे निम्नतम हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भिंड। भिंड की अगर बात की जाए 2011 की जनगणना के अनुसार अगर बात करें तो यहाँ पर लगभग 6000 की जनसंख्या जनजातियों के निवास करती है। और पूरे मध्य प्रदेश के अगर परसेंटेज की बात करें जाए तो 0.4% यहाँ पर ST जनसंख्या पाई जाती है। और भिंड की खासियत बताऊं, यहाँ पर सर्वाधिक नगरीकृत ST जनसंख्या पाई जाती है। अब जनसंख्या ज़्यादा है ही नहीं, जितनी है वो नगर में रहती है। तो लगभग 92% जनसंख्या यहाँ की कहाँ पाई जाती है, नगर में पाई जाती है। सर्वाधिक नगरीकृत ST जनसंख्या भिंड में पाई जाती है, 6000 में हो गया सिटी में जाके बसने लगे, तो ये इसकी खास बात है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है, ये लिखा है कि कौन सी मध्य प्रदेश की जनजाति नहीं है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोंड, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी कोल, नहीं कोम ही है, ऑप्शन डी बैगा कोम। ऑप्शन ए गोंड है, ऑप्शन बी भील है, ऑप्शन सी कोम है, ऑप्शन डी बैगा है। अच्छा, ये कंफ्यूज करने के लिए, मैं ही कंफ्यूज हो गया तो आप लोग तो हो ही सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन सी है यही उत्तर होगा, ये कोम लिखा है ना कि कोल लिखा है। तो जो गोंड है हमारे यहाँ पाई जाती है, हमारे मध्य प्रदेश के, मैंने जैसा कि बताया लगभग 24 जिलों में ये प्रथम स्थान रखती हैं। भील हमारे यहाँ का सबसे बड़ा जनजाति समूह है और कोम ऐसी कोई जनजाति है नहीं। और बैगा जो मुख्य रूप से कहाँ पर, महाकौशल वाले क्षेत्र में, मंडला, डिंडोरी, उमरिया वाले क्षेत्रों में निवास करती है। तो ये हमारी चर्चा किस में होगी, प्रश्न क्रमांक 13 पे होगी। आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कितनी अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं। अब ये हो गया फैक्ट वाला प्रश्न, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, सीधा आपको फैक्ट बताना है कि कितनी अनुसूचित जनजातियाँ निवास करती हैं। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए 50 जनजातियाँ, ऑप्शन बी 46 जनजातियाँ, ऑप्शन सी 43 जनजातियाँ, ऑप्शन डी 40 जनजातियाँ। तो आप बताना है इसमें आपको कि कितनी जनजातियाँ निवास करती हैं। ये भी प्रश्न आया हुआ है, ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्ज़ाम होता है MPPSC का, उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आपको इसमें बताना है। तो देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 43 जनजातियाँ। अब देखिए, कई किताबों में आपको 46 उत्तर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि 46 जनजातियाँ क्या हैं, अधिसूचित थी। और मध्य प्रदेश में अधिसूचना से हटने के बाद क्या जनजातियाँ खत्म हो गई क्या, नहीं, जनजातियाँ हैं, लेकिन मुख्य रूप से अभी संविधान में केवल 43 जनजातियाँ ही ऐसी हैं जो मध्य प्रदेश में निवास करती हैं।
इसलिए हम 43 को ही उत्तर मानेंगे। तो इसका सही जवाब होगा क्या, 43 जनजातियाँ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी है। देखिए ये तो बहुत ही आसान सवाल है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए सहरिया, ऑप्शन बी भील, ऑप्शन सी कोल और ऑप्शन डी भारिया। कई सारे व्यक्तियों को ये मालूम नहीं हो सकता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भील। भील की अगर बात किया जाए तो भारत में भी भीलों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है और मध्य प्रदेश में भी भीलों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। और भील के बारे में देखिए कोई नई चीज़ बताने की आवश्यकता नहीं है, भील के बारे में सब लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं। भील अपने विशेष भगोरिया पर्व के लिए जाना जाता है, भगोरिया पर्व। और भगोरिया पर्व तीन भागों में बंटता है, तीन रूप में मनाया, एक होता है गुलालिया, एक होता है भगोरिया और एक होता है उजाड़िया। जो ये बीच वाला भाग होता है इसमें मेन रूप से मनाया जाता है गोल गधेड़ो उत्सव, जो मुख्य रूप से युवक युवतियों के विवाह के लिए होता है कि युवतियां अंदर रहेंगी और उसके बाद जो पुरुष होंगे वो एक सर्कल के अंदर रहेंगे, वो सर्कल पूरी तरह से स्त्रियों के द्वारा घिरा रहेगा और फिर पुरुष जो स्त्री पसंद आती है उसको लेके भाग जाता है जंगल की, और अगर वह पकड़ा नहीं जाता है तो उनकी विवाह करवा दिया जाता है। तो अभी जो 2022 का मेंस था, 2022 के मेंस परीक्षा में ये पूछा गया था क्या, गोल गधेड़ो पूछा गया था, तो 5 मार्कर में पूछा था, तो पूरा लिखना था। तो ऐसे प्रश्न पूछ लेते हैं PSC, इसलिए इन सब चीज़ों को मैं कवर कर रहा हूँ, आप भी इस सब चीज़ों को देखते हुए पढ़िएगा। अगले चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत है। मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत में है। हमारे ऑप्शन है झाबुआ, ऑप्शन बी बड़वानी, ऑप्शन सी अलीराजपुर, ऑप्शन डी डिंडोरी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी अलीराजपुर। अलीराजपुर में लगभग 89% क्या पाई जाती है, जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। 89% पूरे अलीराजपुर में 89% भाग पे कौन सी जनजाति निवास करती है, आपकी ST जनसंख्या निवास करती है। उसके बाद अगर अन्य जिलों के नाम लिया जाए, इसके बाद कौन से जिले आएंगे, तो अलीराजपुर के बाद आता है झाबुआ और फिर आता है बड़वानी। तो कम से कम 3 ऐसे जिलों का नाम हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि प्रश्न अब डीप में पूछा जाता है। हमने पिछली बार देखा कि साक्षरता को लेकर एक प्रश्न पूछा था, भारत की जनसंख्या को लेकर, मध्य प्रदेश के भी ऐसे ही जो लिंगानुपात है उसके आधार पर प्रश्न पूछा था। तो वो एक जिले बस का नहीं पूछता है, वो पूरा ओवरऑल 3-3 का ग्रुप बना के, सबसेट बना के वो पूछता है। यहाँ तक कि भारत की जनसंख्या में तो उसने 5 जिलों का बना के पूछा था। तो ऐसे क्योंकि जनसंख्या बहुत पुरानी हो चुकी है, इसलिए हमको उसको थोड़ा सा अध्ययन डीप में करना है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, मतलब जो ST जनसंख्या है उसके लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हमारे ऑप्शन है ठक्कर बापा, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जॉर्ज ग्रियर्सन और ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए, कमेंट कर दीजिए इसका जवाब जल्दी से। जी इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ठक्कर बापा। तो देखिए महात्मा गांधी ने क्या कहा था ST के लिए, महात्मा गांधी ने इन व्यक्तियों के लिए एक शब्द दिया था, उसको बोला था गिरिजन। जॉर्ज गियर्सन ने इनको बोला था पहाड़ी हिंदू। इसके अतिरिक्त और भी बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, इन्होंने अलग अलग नाम दिए हैं। आदिवासी शब्द के लिए अगर काका कालेकर का नाम भी मिलता है, काका कालेकर का नाम मिलता है तो भी सही होगा, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति ने आदिवासी शब्द कह के पुकारा है। और काका कालेकर के बारे में आपको पता है कि पहला जो OBC आयोग बना था 1953 में, वो किसकी अध्यक्षता में बना था, काका कालेकर की अध्यक्षता में बना था, जिन्होंने 1931 की जनसंख्या को
1931 की जनसंख्या को आधार मान के ओबीसी का संकल्पना दी थी, जिसे आगे चल के मंडल कमीशन ने स्वीकार किया और उसको लागू किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। देखिए प्रश्न रिपीट है, हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 48, ऑप्शन डी 49। अब देखिए यहाँ पर 43 वाला ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए हैं 46 जनजातियाँ निवास करती हैं। तो हमारा सही जवाब हुआ क्या, 46 जनजाति। वर्तमान में 3 जनजातियों को क्या कर दिया गया है, जनजातियों की श्रेणी से हटा दिया गया है, वो हैं कीर, मीणा और पारधी। देखिए जो कीर और मीणा जनजाति थी, इनका जो निवास था मध्य प्रदेश में वो कम ही था, कम संख्या में पाए जाते थे, लेकिन पारधी जनसंख्या काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। पूरे भोपाल, रायसेन और सीहोर वाले भाग में जाएं तो पारधी जनसंख्या आपको देखने को मिल जाएगी, जो तरह तरह के जनजाति वाले काम करते हैं और मुख्य रूप से वन उत्पाद को बेचने का काम भी ये लोग करते हैं। अगले में आते हैं, मध्य प्रदेश का जनजाति जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा स्थान है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है, इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रथम। देखिए पूरे भारत का लगभग 14.6% कहाँ पर निवास करती है, मध्य प्रदेश में जनजातियाँ निवास करती हैं। और अगर यही एरिया मध्य प्रदेश में माना जाए तो मध्य प्रदेश के लगभग 21.09% वाले भाग पे ये निवास करती हैं। जनजातियाँ हमारे यहाँ 21.09% भाग में निवास करती हैं। और इस बार ये प्रश्न पूछा जा चुका था कि टोटल मध्य प्रदेश में कितनी जनसंख्या निवास करती है अनुसूचित जनजाति की, मेंस में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। मेंस में 3 मार्कर में एक प्रश्न आया था कि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या को लिखिए, पेपर 2 पार्ट 2 के यूनिट 5 जो था पोर्शन उससे लिया गया था और वहाँ पर ये चीज़ पूछी गई थी। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में लिखित में से किस जिले में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत का संकेंद्रण है। अब ये सारी बातें किस पे हो रही है, जनगणना के आधार पे हो रही है, जनगणना के आधार पे हो रही है। 2011 की जनगणना मुख्य रूप से इसको आधार मानी गई है। और ये प्रश्न क्या हुए हैं, ये अब जितने भी प्रश्न मैं आपको पूछ रहा हूँ ये सब प्रश्न ऑलरेडी आ चुके हैं किसी न किसी परीक्षा में जो MPPSC लेता है, चाहे वो फॉरेस्ट मेंस का हो, चाहे फॉरेस्ट जो हमारा MPPSC राज्य सेवा परीक्षा है उसके प्री परीक्षा का हो, चाहे स्टेट इंजीनियरिंग परीक्षा का हो या फिर सेट का एग्ज़ाम हो, उन सब में ये क्या किया है, ये पूछी जा चुकी है। तो हमारे ऑप्शन है झाबुआ, बड़वानी, रतलाम, छिंदवाड़ा। बताना है आपको किस जिले में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या प्रतिशत का संकेंद्रण है। तो देखिए इसमें आपको अलीराजपुर तो दिख ही नहीं रहा है तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसका सही जवाब होगा जो दूसरे नंबर पे आएगा, अलीराजपुर के बाद किसका स्थान आता है, झाबुआ का। तो हमारा इसका उत्तर होगा क्या, झाबुआ। सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था कहाँ पर पाई जाती हैं, अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी, यहाँ पर सर्वाधिक परसेंटेज जनसंख्या पाई जाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। हमारे ऑप्शन है गोंड, मीणा, भील, बैगा। मध्य प्रदेश में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है। अब ये प्रश्न जो है रिपीट हो रहे हैं, ये प्रश्न ऑलरेडी आ चुके हैं, इनमें हम ज़्यादा समय नहीं व्यर्थ करेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भील। आगे चलते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजाति जनसंख्या सर्वाधिक प्रतिशत में है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट है, इसका सही जवाब होगा क्या, अलीराजपुर। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है, कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश से संबंध नहीं रखती है। तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए जौनसारी, ऑप्शन बी गोंड, ऑप्शन सी कोरकू, ऑप्शन डी भील। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जौनसारी। अब देखिए जौनसारी जो है यूपी में पाई जाने वाली जनजाति है, यूपी में, राजस्थान में, यहाँ पर पाई जाती है, यूपी राजस्थान वाले क्षेत्र में पाई जाती है।
ये मध्य प्रदेश में इसका निवास नहीं पाया जाता है। गोंड का मैंने बताया था कि लगभग 24 जिलों में गोंड जनजाति पाई जाती है, दक्षिण मध्य प्रदेश में कोरकू जनजाति पाई जाती है और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भील जनजाति पाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जॉन सारी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से ये तीन जिले हैं जिनमें आदिवासी आबादी 50% है। अब आपको इसमें बताना है कि वो कौन कौन से तीन जिले हैं जिनमें आदिवासी आबादी 50% है। हमारे ऑप्शन है धार, मंडला, झाबुआ। ऑप्शन बी है रीवा, सीधी, सिगरौली। ऑप्शन सी है बैतूल, छिंदवाड़ा, खंडवा। ऑप्शन डी है नीमच, रतलाम और मंदसौर। आपको इसमें जवाब देना है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, धार, मंडला और झाबुआ। आपको पता है कि झाबुआ में सर्वाधिक परसेंटेज पाया जाता है, लगभग 87% झाबुआ में जनसंख्या एसटी की है। धार में 55% के भाग में लगभग इनका निवास है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए। फिर मंदसौर की अगर बात की जाए तो मंदसौर में निम्नतम जनसंख्या जो एसटी की है वो वृद्धि दर देखी गई थी, -11.08% की गिरावट एसटी में देखी गई थी। उसके बाद भिंड का नाम आता है, फिर उसके बाद उज्जैन का भी नाम आता है। तो ये तीन ज़िले थे जहाँ पर दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या की जो एसटी जनसंख्या है उनकी दशकीय वृद्धि दर निम्नतम देखने को मिली थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश में कितने आदिवासी नगरों में निवास करते हैं? अब आपको यहाँ बताना है कितने प्रतिशत लोग जो हैं नगरों में निवास करते हैं। देखिए, जनजातियों के बारे में आपको पता है कि जनजातियां मुख्य रूप से कहाँ पर निवास करती हैं? जंगलों में निवास करती हैं। लेकिन अंत्योदय योजना, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना और जो मध्य प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की योजनाएं चली, उन्होंने क्या किया कि जंगलों में रहने वाले लोगों को वहाँ से निकाल के, वहाँ की कठिनाइयों से निकाल के उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया। और कई सारी जनजातियाँ सदस्य थे वो कहाँ पर आके बैठने लगे? शहरों में रहने लगे। और शहरों में निवास करते करते इनकी जनसंख्या वहाँ पर बढ़ी। जैसे आरक्षण व्यवस्था हो जाए, है ना, और कोई व्यक्ति पीएससी निकाल लेता है, कोई अन्य एग्ज़ाम होते हैं स्टेट के, अच्छे अच्छे एग्ज़ाम होते हैं, वो यहाँ निकल जाता है, तो उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है। उनका जब आर्थिक स्टेटस सुदृढ़ होता है तो कहाँ पर आ जाते हैं? शहरों में निवास करने लगते हैं। इसीलिए इन्हीं सबको देखने के कि अगर किसी समाज में असमानता को समाप्त करना है तो राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि व्यक्ति को आर्थिक रूप से क्या कर दिया जाए? सशक्त कर दिया जाए। जब व्यक्ति आर्थिक रूप से सशक्त होगा तो जो ये असमानताएं हैं, जो छुआछूत है, जो अस्पृश्यता है, ये अपने आप क्या हो जाएंगी? समाप्त हो जाएंगी। चलिए हम अपने प्रश्न पर आते हैं। और हमारा प्रश्न है मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आदिवासी नगरों में निवास करते हैं। हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 8.6%, ऑप्शन बी 6.8%, ऑप्शन सी 7.8%, ऑप्शन डी 8.9%। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 6.8%। मतलब लगभग 7% जनसंख्या कहाँ पर निवास कर रही है? हमारी नगरों में निवास करती है। तो आप इसको बढ़ाने की आवश्यकता है और ये उसी प्रकार संभव हो पाएगा जब अंत्योदय का उत्थान हो सकेगा। दीनदयाल की जो एकात्म मानववाद की जो संकल्पना है जो उन्होंने दी थी कि इसके माध्यम से व्यक्ति का संपूर्ण विकास हो सके, व्यक्ति के विकास से गांव का विकास होगा, गांव से फिर खंड का होगा, खंड से देश का, देश फिर विश्व का, और विश्व से पूरे ब्रह्मांड का विकास होगा। और जो मानव के जो चारों पुरुषार्थ है वो इसमें क्या होंगे? मददगार सिद्ध होंगे। तो ये होती है क्या नगरीय जनसंख्या की बात हो गई। अगली बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है संथाल, ऑप्शन बी है लुसाई, ऑप्शन सी है माड़िया, ऑप्शन डी है अनगामो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी माड़िया। देखिए, माड़िया, इसको माड़िया भी बोलते हैं, यह किसकी उपजाति है? यह गोंड की एक उपजाति है और इसी की एक और पाई जाती है मुरिया। तो ये सब किससे संबंधित है? गोंड संबंधित है। तो हमारे यहाँ कौन सी पाई जाती है? गोंड, उसकी उपजाति है। मुख्य रूप से जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो बॉर्डर वाला एरिया है, ये एमपी है और ये सीजी है, इस वाले क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है। मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, लेकिन इनका कुछ जनजातियों का निवास कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलता है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए 15.2%, ऑप्शन बी 21.1%, ऑप्शन सी 26.5%, ऑप्शन डी 25.2%। तो मैंने अभी अभी जैसा बताया था आपको, इसका सही उत्तर होगा 21.1%। एक्चुअल में जो 2011 की जनगणना कहती है वो बोलती है 21.09%, लेकिन 9 को एक मान लिया जाता है, इसीलिए वो 21.1% देखने को मिलता है। अब अगर बात किया जाए, मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में ये जनजातियाँ प्रतिशत के रूप में किन जिलों में सर्वाधिक पाई जाती हैं, तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? धार, झाबुआ, बड़वानी। ठीक, तो धार, झाबुआ, बड़वानी में सर्वाधिक पाई गई, और अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी में सर्वाधिक परसेंटेज में पाई गई। सबसे कम कहाँ पाई गई? भिंड, दतिया, मुरैना में पाई गई। तो ये हमारी चर्चा किस पे हो गई? प्रतिशत को लेके हो गई। ऐसे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आपको इसी प्रकार से इन सब चीज़ों को डील करना है। मध्य प्रदेश के लगभग आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजातियों के रूप में लोगों में वर्गीकृत किया जाता है। मतलब ये बताना है आपको कि मध्य प्रदेश जो ये ऑप्शन है उसके आधार पर आपको बताना है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर मध्य प्रदेश के किस आधार पर जनजातियों को विभाजित किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। तो औसत रूप में इसमें बताना है आपको। तो हमारे ऑप्शन है 1/2, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/5 और ऑप्शन डी 1/4। तो इसका सही जवाब होगा 1/5। देखिए, मध्य प्रदेश में कई जिलों में जनजातियाँ बहुत निवास करती हैं, लेकिन कई जिलों में निवास ही नहीं कर रही हैं। तो ये बताना है इनका, इसका अर्थ ये है कि लगभग 1/5 वाले भाग में कौन निवास करता है, जनजाति निवास करती है। आपको पता है 21% निवास कर रही है, तो यही आधार होगा ना, 21% के आधार पर 21% है, तो 20 × 5 = 100, तो लगभग 1/5 वाले भाग में। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं? तो आपको बताना है यहाँ पर मुंडा, उराव, संथाल, हो, ये संथाल है। फिर भी बैगा, सहरिया, गोंड, कोल। ऑप्शन सी है माड़िया, भील, गोंड, संथाल। ऑप्शन डी है खरिया, माड़िया, गोंड, उराव। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, बैगा, सहरिया, गोंड और कोल। देखिए, ये जो जनजातियाँ हैं ये आपको पता है कि जो गोंड है वो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है, कोल तीसरे नंबर की सबसे बड़ी जनजाति है, सहरिया PVTG ग्रुप है जो उसकी सबसे बड़ी जनजाति है और मध्य भारत के क्षेत्र में पाई जाती है, और बैगा के बारे में तो हमको पता है कि बैगा विकास प्राधिकरण मंडला डिंडोरी उमरिया वाले क्षेत्र में स्थापित है। इससे संबंधित है जुधैया बाई और अर्जुन सिंह धुर्वे। और ये जो मुंडा जनजाति है झारखंड बिहार वाले क्षेत्र में पाई जाती है। उराव देखिए मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ऐसी बात नहीं है, मध्य प्रदेश में पाई जाएंगी। तो एक संथाल जो है कहाँ पर पाई जाएंगी? झारखंड और बिहार वाले क्षेत्र में पाई जाएंगी। हो जो है ये और आगे चली जाएंगी, ये आपके असम और बंगाल और झारखंड उनके सीमा वाले क्षेत्रों में पाई जाएंगी, बिहार वाले क्षेत्र में पाई जाएंगी ये हो जनजाति। अब देखिए, संथाल विद्रोह और हो विद्रोह ये भारतीय इतिहास की बहुत महत्वपूर्ण घटना है। आपको कमेंट में बताना है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था, संथाल विद्रोह कब हुआ था और कहाँ हुआ था। मैं अब कब और कहाँ क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि PSC 2022 में इसी प्रकार से प्रश्न पूछे थे कि कौन सा विद्रोह कहाँ हुआ, कब हुआ। फिर दूसरा है हो विद्रोह, हो विद्रोह भी हुआ था इतिहास में, बहुत फेमस विद्रोह है, तो आपको इसके बारे में भी बताना है कि कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो ये दो प्रश्न हैं, आप इसको कमेंट में ए बी डाल के दे सकते हैं, ए बी डाल के उत्तर दे सकते हैं और दीजिए। ये सब चीज़ें आपको अपनी तैयारी को मजबूत करने में क्या करेंगी, सहायक होंगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, किस जिले में प्रतिशत की दृष्टि से सबसे कम जनजाति पाई जाती है? भिंड, झाबुआ, मुरैना, श्योपुर। आपको बताना है भिंड, झाबुआ, मुरैना, श्योपुर में आपके अपने उत्तर को देना है। तो आपको बताना, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए भिंड। भिंड में लगभग 0.4% क्या पाई जाती हैं, अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं, ST पाई जाती हैं। इनकी जनसंख्या लगभग 6000 है। मैं आपको ये बताने नहीं जाऊंगा कि 6400 है, 400 इसके आगे भी है कुछ कुछ, तो आप ऑन एन एवरेज याद करके रखिए कि 6000 जनजाति पाई जाती हैं जो मध्य प्रदेश में सबसे कम जनजाति हैं। फिर उसके बाद भिंड के बाद आती है, भिंड के बाद दतिया आता है, फिर मुरैना आता है। परसेंटेज वाइज अगर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर दतिया आएगा, फिर मुरैना आएगा,
तो ये हमारी चर्चा किस पे हो गई, प्रश्न क्रमांक 30 को लेके हो गई। अगली चर्चा करते हैं, सर्वाधिक आधुनिक जनजाति कौन सी है। ये प्रश्न मैं आपसे कल भी पूछ चुका हूँ कि सर्वाधिक आधुनिक जनजाति कौन सी है। कोल, संथाल, भील, गोंड। कोल, संथाल, भील, गोंड। तो इसका सही जवाब होगा कोल। मैंने कल भी इसके बारे में बताया था क्यों कोल को आधुनिक जनजाति कहा जाता है, क्योंकि ये क्या है, बहुत ही ज़्यादा आपकी आधुनिकता को स्वीकार की है। इनमें पर्दा प्रथा नहीं पाई जाएगी, पर्दा प्रथा नहीं है, खुला समाज है। जैसे हिंदू समाज में अगर बात किया जाए तो कई जगह आपको देखने को मिलेगा कि बड़ों के सामने पल्लू ढक के बहू रहती हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पर ऊपर छोटा बड़ा ये सब देखने को नहीं मिलता है। और कोल समाज की ये बात है कि इन्होंने आज का जो आधुनिक परिवेश है, जो आसपास के अपने परिवेश है, उसके अनुरूप अपने आप को ढाल लिया है। इनकी भागीदारी न केवल आपकी अपने समाज तक सीमित रही है, बल्कि ये विभिन्न प्रकार के पंचायतों के चुनाव में, विभिन्न प्रकार के राजनीतिक एक्टिविटी में, विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाओं में संलग्न होकर क्या किए हैं, अपने आप को बहुत ज़्यादा उठा लिया है। इनका स्तर जो है काफ़ी हद तक ऊपर उठ चुका है। तो ये हमारी सर्वाधिक आधुनिक जनजाति कौन सी कहलाई, कोल कहलाई। अगले प्रश्न पे चलते हैं, मध्य प्रदेश में कितने प्रतिशत आदिवासी नगरों में निवास करते हैं। देखिए, इस प्रश्न पे हमारी चर्चा हो चुकी है तो इसमें ज़्यादा हम अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 6.8%। अगले प्रश्न पे आते हैं कि मध्य प्रदेश के 3 जिले जहाँ न्यूनतम जनजाति जनसंख्या है, दतिया, मुरैना, भिंड। दतिया, मुरैना और गुरैना लिख गया था, चलिए थोड़ा थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कहीं ना कहीं। तो दतिया, मुरैना और भिंड है, फिर है भिंड, दतिया, मुरैना, मुरैना, भिंड, दतिया, मंदसौर, मुरैना, दतिया। तो आप इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए कि न्यूनतम जनजाति जनसंख्या कहाँ पर है। तो मैंने आप भी कुछ 2 प्रश्न पहले ही बताया था इसके बारे में कि भिंड, दतिया और मुरैना में न्यूनतम जनजाति जनसंख्या प्रतिशत पाई जाती है। भिंड में 0.4 पाई जाती है, दतिया में 0.6% पाई जाती है, इसी प्रकार 1% के लगभग आपकी मुरैना में पाए जाते हैं। तो काफ़ी कम मात्रा में यहाँ पर जनसंख्या देखने को मिलती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात सर्वाधिक है। लिंगानुपात सर्वाधिक है, लिंगानुपात के संबंध में प्रश्न है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए बालाघाट, ऑप्शन बी मंडला, ऑप्शन सी डिंडोरी, ऑप्शन डी अलीराजपुर। कमेंट में जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए। जी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बालाघाट। देखिए, मध्य प्रदेश में भी अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश में भी अगर बात की जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर देखने को मिलता है, बालाघाट में मिलता है। लेकिन अभी NFHS की जो रिपोर्ट आई, NFHS 5 की रिपोर्ट आई, उसमें आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि वो कौन सा ज़िला है जहाँ पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात देखने को मिला है। आप NFHS रिपोर्ट के अनुसार बताइएगा, इसको कमेंट में इसको बताइएगा, ज़रूर बताइएगा। मुझे मालूम है लेकिन मैं नहीं बताना चाहता हूँ, आप इसको अपने कमेंट में ज़रूर बताइए, इसके बारे में जानिए। और NFHS रिपोर्ट जो होती है इसके बारे में थोड़ा पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसके अनुसार हमारे यहाँ का जो लिंगानुपात है वो अभी 956 हो चुका है। और भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुए हैं। हमारे यहाँ का जो मातृ मृत्यु दर है वो 2.0 पहुँच चुका है, मतलब 2.0 पहुँच चुका है, जो भारत के बराबर हो चुका है लगभग। और जो मातृ मृत्यु दर है उसमें कमी आई है, हमारी मातृ मृत्यु दर 163 हो गई है। और भी ऐसी कई सारी रिपोर्टें हैं जो NFHS से संबंधित है, इसमें और भी रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कुपोषण दर कैसी है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ अल्प वजन के बच्चे कितने पैदा हो रहे हैं, हमारे यहाँ कम वजन वाले बच्चे कितने हैं, छोटी हाइट वाले, जो एक रोग होता है बौनापन, बौनापन के संबंध में क्या रिपोर्ट देती है, ये सब चीज़ें हम इसके माध्यम से कवर कर सकते हैं। तो NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसका फुल फॉर्म है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसकी 5वीं रिपोर्ट आई थी, NSO इसको जारी करता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। इस प्रश्न का सही जवाब है बालाघाट। अगले प्रश्न पे आते हैं,
मध्य प्रदेश के कितने जिलों में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर निरात्मक रही है? अब बताइए, बहुत ही आसान सवाल है, आपको ऋणात्मक रही है। आसान सवाल तो नहीं है, थोड़ा कठिन है। तो 2, 3, 4, 5 आप देने का प्रयास कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3 जिलों में। 3 जिलों में जो हमारी वृद्धि दर रही है, किसकी, जनजातियों की वृद्धि दर रही है, वो ऋणात्मक रही है। उनमें सबसे पहला नाम आता है क्या, मंदसौर का, मंदसौर, फिर उसके बाद भिंड, और उसके बाद आता है क्या, उज्जैन। इनमें जो वृद्धि दर रही है, इसमें माइनस 11 रही है, इसमें माइनस 8 रही है, इनमें भी माइनस 8, 8.9, 8.5 के लगभग इनमें क्या पाई गई है, ऋणात्मक वृद्धि दर देखी गई है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, सही मिलान कीजिए। ये है कि जनजातियों के संबंध में विभिन्न विद्वानों के अलग अलग मत हैं, आपको बताना है कि ये क्या इससे मैच करते हैं कि नहीं। तो आपको इसमें बताना है फिर इसका उत्तर कि कौन सा इसमें ऑप्शन, इसमें ऑप्शन लगता है ही नहीं। अच्छा, तब भी आप लोग बताइए, ऑप्शन ए आदिवासी, बी पहाड़ी, पहाड़ी जनजाति, और पिछड़े हिंदू, गिरिजन, इसके संबंध में आगे है ए बी ठक्कर या ठक्कर बापा, ग्रियर्सन, डॉक्टर गोविंद सदाशिव धुरिए, और डी महात्मा गांधी। आपको इसमें मिलाना है कि कौन से विद्वानों ने जनजातियों के संबंध में कौन कौन से कथन कहे हैं। देखिए, ये तो बहुत ही आसान हो गया है, जैसे आदिवासी तो ठक्कर बापा ने ही कहा था, तो पहले का यही हो जाएगा। पहाड़ी जनजाति किसने कहा था, ग्रियर्सन ने। अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया कि ग्रियर्सन ने क्या कहा है, जनजातियों को पहाड़ी जनजाति कहा है। फिर जी एस धुरिए, इनको जी एस धुरिए, बहुत बड़े समाजशास्त्री रहे हैं जी एस धुरिए, धुरिए बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं, इन्होंने जनजातियों को पिछड़े हिंदू कहा है। उसके बाद महात्मा गांधी ने गिरिजन कहा है, अर्थात जो पहाड़ों में निवास करने वाली जनजाति है उनको महात्मा गांधी ने गिरिजन कहा है। जी एस धुरिए ने अपनी समाजशास्त्रीय किताब निकाली जिसमें जनजातियों को उन्होंने संपूर्ण अध्ययन किया है, और उसके माध्यम से उन्होंने बताया कि जो जनजाति हैं ये कोई और नहीं, ये वही पिछड़े हिंदू है जो किसी काल कारणवश आदिकाल वैदिक काल से अभी तक में विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए और वो जंगलों में ही छूट गए, और उन्होंने समय के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया, इसलिए उनको क्या कहा, उन्होंने पिछड़े हिंदू कहा। फिर जैसे हमारा संविधान क्या कहता है, अनुसूचित जनजाति कहता है, और भी कुछ कुछ विद्वान है, जैसे काका कालेकर का मैंने आपको नाम बताया था, काका कालेकर भी आदिवासी शब्द करके इनको कहते हैं। अगला प्रश्न है, चंदा समिति कब गठित हुई थी, 1960, 1961, 1959, 1962। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1960। चंदा समिति एक्चुअल में भारत सरकार द्वारा जब देखा गया कि अब जनजातियों को किस प्रकार, कौन कौन से व्यक्तियों को जनजाति कहा जाए, जब आर्टिकल 342 की बात चलने लगी, राज्यपालों से निर्देश दिया गया कि राज्यपालों से पूछा गया राष्ट्रपति के माध्यम से कि बताओ कि ऐसे कौन कौन से लोगों को शामिल करें, कौन कौन से जाति के लोगों को शामिल कर लिया जाए, जो किस पे बिलोंग करें, जनजातियों के रूप में बिलोंग करें, जो जंगलों में निवास करते हैं उनको अब क्या आधार सिद्ध किया जाए। तो इसी आधार को तय करने के लिए 1960 में एक समिति गठित की, और 1960 में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जो ये दर्शाती है कि किसी भी जनजाति को जनजाति कैसे घोषित करेंगे, वो कौन कौन से मापदंड हो गए। तो इन्होंने 5 मापदंड बताए थे, और उन 5 मापदंडों के माध्यम से आज भी लगभग इन्होंने 461 जनजातियों की सिफारिश दी थी, 461 जनजाति को बोला था कि शामिल कर लीजिए, और इनकी सिफारिशों को आधार मान के 424 जनजातियों को शामिल कर लिया गया था। ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंदा समिति की सिफारिशों में कितनी जनजातियों को शामिल करने के लिए निर्देश दिए गए थे, तो 461 जनजातियों के निर्देश दिए गए थे। कितने जनजातियों को शामिल कर लिया गया था, 424 जनजातियों को शामिल कर लिया गया था। तो इन्होंने 5 मापदंड में बताया कि किसी, उनकी क्या होनी चाहिए, भौगोलिक एक पहचान होनी चाहिए, भौगोलिक एकाकीपन होना चाहिए, उनकी एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति होनी चाहिए, उनकी एक विशिष्ट संस्कृति होना चाहिए, फिर संकटापन्न होना चाहिए, मतलब उनकी स्थिति कैसी हो, ऐसी हो कि अब उनका जीवन जीने के लिए उनको बहुत ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा हो, तो संकटापन्न वाली स्थिति होनी चाहिए,
इस प्रकार इन्होंने अपने 5 मापदंड निर्धारित किए थे। इनकी विशिष्ट बोली भी बोला था, इन्होंने कहा था कि विशिष्ट भाषा भी होना चाहिए। तो इस आधार पे उन्होंने अपनी पूरी बात कही थी, और इन्हीं के आधार को और आगे बढ़ाते हुए फिर जो जनजातीय सलाहकार परिषद गठित हुई, उनके आधार पे आज वर्तमान में भारत में 705 अनुसूचित जनजातियां घोषित हैं। तो ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत में कितनी जनजातियां अनुसूचित रूप से घोषित की गई हैं, तो 705 जनजातियां क्या की हैं, घोषित की गई हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियों का विस्तार किस क्षेत्र में देखने को मिलता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए उत्तरी क्षेत्र, ऑप्शन बी पूर्वी क्षेत्र, ऑप्शन सी पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन डी दक्षिणी क्षेत्र। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पश्चिमी क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पर क्या मुख्य रूप से निवास कर रही है, भील निवास कर रही है। तो जो पश्चिमी क्षेत्र वाला भाग है उसमें लगभग 36.7% लगभग 37% जो जनजातियां हैं वो कहाँ पर निवास कर रही हैं, पश्चिमी वाले भाग में निवास कर रही हैं। यहाँ पर भील भी देखने को मिल जाएगी, भिलाला देखने जाए, पटालिया और इसके अतिरिक्त कोरकू भी इस वाले रीजन पर देखने को मिल जाएगी। फिर गोंड तो यहाँ पर मिलती है, फिर मालवा में आपको यहाँ पर पारधी जनजाति देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो रतलाम और नीमच वाला क्षेत्र है यहाँ आपको बंजारा जनजाति देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से कई सारी जनजातियाँ इस क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करती हैं, और जनजातियों कल्चर इस रूप में इसलिए बढ़ा क्योंकि राजस्थानी कल्चर का बहुत ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। और राजस्थान मुख्य रूप से जो ये वाला क्षेत्र है, जो बिंध और सतपुड़ा के बीच वाला क्षेत्र है, वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, जनजाति बाहुल्यता का क्षेत्र देखने को मिलता है। तो ये हमारी चर्चा क्या होगी, प्रश्न क्रमांक 38 पे हो गई। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 2003 में निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियों को विलोपित नहीं किया गया है, नहीं किया गया है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए कीर, ऑप्शन बी मीना, ऑप्शन सी पारधी, ऑप्शन डी सौर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सौर, क्योंकि हमने इसकी चर्चा कर ही ली है कि कीर मीणा और पारधी जनजाति को 2003 के बाद क्या कर दिया गया था, जनजातियों की जनसंख्या से हटा दिया गया था, उनको विलोपित कर दिया गया था। जो हमारी 46 अनुसूचित जातियां थी उनको हटा करके क्या कर दिया गया था, 43 ही कर दिया गया था। और जो सौर जनजाति है, अगर पूरे संविधान का जो 342(1) को देखेंगे तो वो जो सौर जनजाति है वो सबसे आखिरी में लिखी हुई मिलेगी, सबसे आखिरी में ये जनजाति लिखी हुई मिलेगी संविधान में। तो ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सी जनजाति का उल्लेख संविधान में मध्य प्रदेश से संबंधित रखती है और आखिरी में दिया गया है, तो वो कौन सी जनजाति है, सौर जनजाति है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में भील समूह की कुल जनसंख्या कितने प्रतिशत है? ये भील समूह है, यहाँ पर माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये है भील समूह। भील समूह की जनसंख्या कहाँ पर देखने को सर्वाधिक मिलती है, कितने प्रतिशत देखने को मिलती है, जनसंख्या का प्रतिशत पूछा है कि कितने प्रतिशत क्षेत्र पे हमको भील जनसंख्या देखने को मिलती है। ऑप्शन एक है 39.08%, ऑप्शन बी है 33.25%, ऑप्शन सी है 21.1%, ऑप्शन डी है 15.6%। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, क्योंकि भील और भिलाला जो समूह हैं उनकी जो उपजातियाँ हैं, भील समूह का मतलब है कि जो भील है और इनकी उपजातियाँ हैं उनको मिला करके कितनी भील की संख्या पाई जाती है, तो लगभग 39.08% मध्य प्रदेश में निवास करती हैं। 33.25 ये गोंडों का समूह है, गोंड जो समूह है इनकी जनसंख्या हमारे यहाँ कितनी पाई जाती है, 33.25%। तो ये हो गई हमारी चर्चा किस पे, प्रश्न क्रमांक 40 पे। और ये हम अपने अंतिम प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अंतिम प्रश्न है, किसी जनजाति को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में अधिसूचित किए जाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड नहीं है? ये ध्यान दीजिएगा, कई बार पीएससी ऐसे प्रश्न पूछ लेती है और बीच में लास्ट में लगा देती है नहीं है। अगर यहाँ पर नहीं लगाती है तो यहाँ नीचे लिख देगा उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ऐसे लिखेगा सत्य नहीं है, तो कन्फ्यूज हो जाता है व्यक्ति, जल्दी जल्दी पढ़ के वो ऑप्शनों को देख के उत्तर लगा देते हैं और उसका प्रश्न गलत हो जाता है। हम यहाँ पर क्या कर दिए हैं, इसको डिनोट कर दिए हैं कि नहीं है। अब आपको बताना है कि वनों पर निर्भर आजीविका, कि वनों पर उनकी आजीविका निर्भर होना चाहिए, चाहे वो शहद वहाँ से कलेक्ट करते हों, लकड़ी एकत्र करते हों, झूमिंग कृषि करते हों वनों पर, तो ये आजीविका का साधन कहाँ पर होना चाहिए, वनों पर होना चाहिए। दूसरा है दुर्गम दूरस्थ भौगोलिक क्षेत्रों में निवास
तीसरा है स्थिर या घटती जनसंख्या होती है, और चौथा है साक्षरता का उच्च दर। तो आप ऑप्शन के आधार पर समझ सकते हैं कि इसका उत्तर सही क्या हो जाना चाहिए। तो ये सही इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, साक्षरता का उच्च दर, क्योंकि जनजातियों में, जनजातीय क्षेत्रों में जंगलों में निवास कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर स्कूल नहीं होती हैं, कॉलेजेस नहीं होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो प्रसार शिक्षा के कार्यक्रम होते हैं वो भी नहीं होते हैं, टीवी नहीं होता है, तो ये क्या होते हैं, यही कारण होता है कि साक्षरता का निम्न स्तर होता है। तो इसका सही जवाब होगा क्या, ऑप्शन डी। तो ये हमारी पूरी आज की चर्चा हुई, तो फिर अगले क्लास में मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ।